सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से ही निकिता अंबोली है काफी ज्यादा इमोशनल, साथ ही है टेंशन में भी। आखिरकार क्यों, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदन ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आपको बता दूं, जब तूफानी सीनियर्स ने घर से एग्जिट ली थी उस समय पर निकिता अंबोली जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बाद में भी वो काफी चुप चुप सी थी, तो राहुल वैद्य ने उनसे पूछा कि आखिरकार क्यों तुम इतनी दुखी हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो। तो यहाँ पर निकिता अंबोली कह देती है कि मैं अपना कोई भी वीक पॉइंट तुम में से किसी को भी नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन स्टिल बातों बातों में वो इस बात का खुलासा कर देती है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने से वो काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि एक सिद्धार्थ शुक्ला ही थे जो उन्हें घर में काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, उनकी बैक सपोर्ट बने हुए थे और कई चीजों में उनका साथ देते थे, कई चीजों में उनको समझाते थे कि ऐसे करो वैसे करो, तुमने इतना कर लिया, तुमने उतना कर लिया। अब जो है निकिता अंबोली को सारी चीजें अपने दम पर करनी पड़ेंगी, सारी चीजें उन्हें अपने आप करनी पड़ेंगी। ऐसे में निकिता अंबोली को ऑलरेडी घर में धोखा मिलना भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ दोस्ती स्ट्रांग लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिना सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्ट के कैसे खेलती नजर आएंगी निकिता अंबोली। साथ ही भले ही सिद्धार्थ शुक्ला बाहर से सपोर्ट करे, लेकिन निकिता अंबोली को कैसे पता चलेगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बदलाव आ सकते हैं या नहीं, राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।